आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, कई बार हम जो नंबर टाइप करते हैं या टाइप किया हुआ मिलता है, मुझे उसको थोड़ा सा अलग दिखाना होता है बिना उसमें किसी तरह की चेंजिंग किए। जैसे एग्जाम्पल कि मुझे चेक नंबर यहाँ पे लिखना है, तो अगर मैं मैनुअली चेक नंबर लिखता हूँ तो 6 डिजिट का होता है, 1 2 3। ओके, बट प्रॉब्लम यह है कभी कभी चेक नंबर 0 से शुरू होते हैं कि 0 0 4 5 1 2, तो ये 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट लगा के 2 2 1 2 4 5 लिख देते हैं, या फिर इस कॉलम को राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर इसके अंदर कोई भी नंबर लिखते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कोई नंबर भेजा हुआ है ऑलरेडी और टाइप है ऑलरेडी, और इसमें मुझे 0 एक्सेप्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुझे इसको प्रिंट आउट करके अपने बॉस को या फिर बैंक को भेजना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे कस्टम में, यहाँ पे 0 0 0 0 0 6 टाइम 0 डालेंगे, देन ओके। अब देखिए आपके सामने आ गया। तो ये 0 0 क्या हुआ, इसने डिजिट को मेंटेन कर दिया। हमने 6 बार 0 डाला तो उसने 6 डिजिट मेंटेन कर दिया, जिसमें जिस कम है वो 0 लगा दिया। अब यहाँ पे एक भी ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसने विजुअलिटी चेंज किया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं। ये आपका ओरिजिनल अभी भी 85 ही है, पर देखिए क्योंकि एक्सेल का सिंपल सा इन्वर्सल नियम है, इन्वर्सल नियम मतलब कि परम सत्य है कि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग वैल्यू को आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जस्ट आपके विजुअल वैल्यू को चेंज करेगा। ये परम सत्य है, मतलब कि अगर आपके पास कहीं से डेटा आया 0 0 0 0 8 5, तो इनको आपस में वी लुकअप मैच इफ जैसे फंक्शंस को रीड नहीं करेगा, ये दोनों को एक नहीं मानेगा। देखिए कौन सा आया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इस तरह की विजुअलिटी नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल में चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू इसके अगले कॉलम में टेक्स्ट फॉर्मूला से देगा। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करें और इन्वर्टेड कॉमा में 0 0 0 0 0 6 बार 0 लगा के नीचे एंटर मार दीजिए, और यहाँ देखिए आपके सामने डेटा आ जाएगा। अब ये ओरिजिनल में है, अगर कहीं से आपको यहाँ पे सिंगल कोड के साथ 0 0 0 0 8 5 मिला, तो ये आपस में अब इक्वल होंगे। ओके, मतलब जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर कोड डालते हैं ना यहाँ पे, वो कोड अगर आप टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डाले तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, तो दिक्कत इसमें अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देनी थी छोटी सी। मेरी एक ग्रुप बैच शुरू हो रही है रात में 8 बजे 10 अप्रैल से, जिसमें हम जो है आपके साथ बात करेंगे एक्सेल वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में एडवांस एक्सेल की। तो 2 कम्बाइंड बैच है, एडवांस एक्सेल एंड एक्सेल वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, रात को 8 बजे। तो आपके कोई कलीग या मित्र होंगे तो उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ पे एक चीज, एक फंडामेंटल आपको समझा रहे हैं कि मैं यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास, राइट। तो मैं अमाउंट के आगे RS लगाना चाहता हूँ या MRP लगाना चाहता हूँ, मतलब कि कोई भी नंबर लिखो तो उसके आगे कुछ प्रीफिक्स या पीछे कुछ प्रीफिक्स ऐड हो जाए। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टम में इन्वर्टेड कॉमा में हम डालेंगे, जैसे मैं डाल दिया, मुझे मान लीजिए MRP डालना है, MRP, और यहाँ पे आप 500 लिखेंगे तो सिर्फ MRP शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके आगे 0 या हैश नहीं लगाया, तो आपको 0 या हैश लगाना पड़ेगा तभी आपकी वैल्यू दिखेगी, अगर नहीं दिखे। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं खुद मैनुअली MRP 500 क्यों लिख दूं,
इस तरह से, तो मैं एमआरपी मैनुअल एमआरपी 509 कर सकता हूं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी प्रीफिक्स कुछ भी ऐड करते हैं तो उसके आगे जीरो या हैश लगाना है। अब जीरो और हैश में क्या फर्क है समझ लीजिए। अगर मैंने दो बार जीरो लगाया तो यहाँ पे अगर मैं फाइव लिखूंगा तो 05 दिख जाएगा, लेकिन मैं दो बार हैश लगाया तो सिर्फ 5 दिखेगा। तो हैश क्या करता है, जस्ट आपको वही शो करता है जो विजुअल। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर में चाहता हूँ कि +91 लग जाए, तो यहाँ पे +91 और यहाँ पे जीरो कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो उसके आगे +91 लगा देगा। ऐसे मैं अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूँ, और अकाउंट नंबर में क्या होता है कि आपका 11 डिजिट तक तो दिखता है, लेकिन 11 डिजिट के बाद जैसे नंबर ऐड करते हो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो क्या करना है, कस्टम में सिर्फ एक जीरो दे देना या हैश दे देना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ 15 डिजिट तक ही लिख सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 डिजिट। जैसे मैं यहाँ पे 7 दे रहा हूँ, देखिए 70 हो जाए, क्योंकि एक्सेल के अंदर में 15 डिजिट के बाद जितने भी डिजिट डालेंगे वो सारे के सारे को 000 कर देगा, क्योंकि इन नंबर फॉर्मेट आप सिर्फ 15 डिजिट ही लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एटीएम कार्ड नंबर हो गया, किसी का मोबाइल नंबर, अगर दो मोबाइल नंबर कॉमा करके लिख रहे हैं तो सिंगल कोट लगा के टेक्स्ट में लिखे या फिर अलग अलग कॉलन में लिखे। हाँ, आपने सिंगल कोट लगा के लिखा तो आप 32,767 डिजिट लिख सकते हैं इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम किसी नंबर के बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आईडी है और मैंने 9 डिजिट का आईडी लिखा, मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट पे डैश ऐड हो जाए, ऑफ कर सकते हैं। कस्टम में गए और यहाँ पे 000-000-000 ऐड हो गया। इसे क्रेडिट कार्ड नंबर है और मैं सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट लिखता हूँ, बीच में एक्स 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 अपने आप ऐड हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे एक्स 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 नहीं, यहाँ पे सॉरी जीरो देना पड़ेगा, 000 और फिर मैं यहाँ पे एक्स 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 फिर 000 4 बार ऐड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि डेट है, डेट पे समझिए क्या होता है, डेट है तो कस्टम के अंदर अगर मैं डेट लिख डेट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूं तो आपके पास होता है डी डी एम 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 एंड वाई वाई, तो जो भी आप डेट डालेंगे उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डी डी को 3 बार कर दिया, यहाँ देखिए ऊपर में आपको दिखेगा, 3 बार डी डी करेंगे तो हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 बार करेंगे तो कंप्लीट फ्राइडे आए। यहाँ पे वापस डी डी दे दीजिए, यहाँ पे डे आएगा फ्राइडे आएगा। सेम अगर मंथ करते हैं 3 बार, 2 बार तो 012, 3 बार करते हैं तो मार्च फरवरी का शॉर्ट फॉर्म मार्च एम आर एफ एफ आएगा, 4 बार करते हैं कंप्लीट मार्च आएगा, 5 करते हैं सिर्फ एम आएगा, और फिर यहाँ पे आपका वाई आएगा। तो आप एम एम वाई वाई डी डी को अपने हिसाब से आगे पीछे इधर उधर जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से डेट बना सकते हैं। उसी तरह से टाइम है, अगर आपने टाइम लिखा तो टाइम को भी एच एच एम एम एस एस एच एच एम एम एस एस और ए एम पी एम करना है तो ए एम स्लैश पी एम आ जाएगा। लेकिन किसी का कन्वर्ट कर, मान लीजिए कि आपने किसी का ओवर टाइम 9 घंटे 30 मिनट निकाला, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में दिखाना है आपको, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एम करें तो 12 घंटे के बाद वाला जो फर्क होता है, जो कन्वर्टेड होता है, वो आप स्क्वायर एम से दिखा सकते हैं। आपको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिखना है तो वही टेक्स्ट फॉर्मूला जो कि मैंने बताया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ इन्वर्टर को हमें स्क्वायर ब्रैकेट में एम कर देते हैं, ये आपका दिख जाएगा कन्वर्ट, ठीक है।
ओके ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समझा दूंगा सर। पूछिए। आपको क्या सुनिए सुनिए, आपको क्या है कि ये आपका स्टेटस है, ये आपका वैल्यू है और यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है, रिजल्ट शो करना है, राइट। तो आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट अगर पोज हुआ, ठीक है, और ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे ओके क्या लेना चाहते हैं, ओके। ठीक है, आप रिजल्ट और आप एन आर ई कर देते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, राइट। और आप दूसरा क्या चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेटस क्या हो, यार्ड। जी हाँ सर, एक काम करें, मुझे अपना जो एक सैंपल डेटा शीट शेयर कर दे, मैं उस पर देख के बता दूंगा। सैंपल सैंपल डेटा सेट की फोटो भेज देना, मैं समझ लूंगा। आपको थोड़ी बोला कि ओरिजिनल डेटा भेजिए, एक एग्जाम्पल बना लीजिए, उसमें कंडीशन लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कस्टम फॉर्मेटिंग समझ आ गया, आपको कोई दिक्कत इसमें? हाँ, मतलब। और इसके बाद आता है टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नाम के आगे एम स्लैश एस ऑटोमेटिक लग के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं इन्वर्टर को हमें एम स्लैश एस और इसके आगे लगा देते हैं एट द रेट, क्या लगा देते हैं, एट द रेट। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आईपीटी लिखूंगा, एट द रेट ऑटोमेटिक आ जाए। तो आईपीटी इंडिया डॉट कॉम क्यों आया, क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग में जा रखा है या आईपीटी लिंक थे, आईपीटी इंडिया डॉट कॉम आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस का लास्ट में आ जाए। तो यहाँ पे हम कस्टम पे आते हैं और यहाँ हम क्या कर देते हैं, अब ध्यान रखिएगा, 0 और हैश नंबर के लिए होता है और टेक्स्ट के लिए होता है एट द रेट, ठीक है। तो मैं एट द रेट लगाया और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया कि भाई न्यू दिल्ली 11062, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आप, F101 ऑटोमेटिक एट द रेट के साथ इस तरह से छेल से सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में इतना ही है कि आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फॉर्मेटिंग चाहिए तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेट